नरेश सर, तो इस सेशन की शुरुआत मैं चाहता हूं मैं आपसे करूं। मेरा सवाल आपसे यही कि इससे पहले वाले सेशन में ये बातचीत चल रही थी कि कविता को प्रचार की आवश्यकता, क्या आपको लगता है कि आज के समय में कविता को प्रचार की आवश्यकता है ताकि वो पहुंचे जन जन तक, अच्छी कविता है, वरना कविताएं तो सोशल मीडिया पर भी बहुत चल रही हैं कि फूल और गुलाब का कांटा मत समझना जैसी। देखिए, ये समय ऐसा है कि हर अच्छी चीज़ हमारे बीच से गायब होती जा रही है, मनुष्यता ही गायब होती जा रही है। कविता का जो काम है, संबंध है, वो सत्य से है, मनुष्यता से है, सौंदर्य से है और संवेदना से है। लेकिन हमारी जो इस समय शीर्ष सत्ता है, उसके पास जो सारा एजेंडा है वो घृणा का है, हिंसा का है। वो तो कहते हैं सर कि हम साहित्य को प्रमोट करते हैं, प्रचार का उसका प्रचार करते हैं, हम तो हिंदी के साथ हैं और तब हिंदी की बात करते हैं। जितना झूठ इस समय बोला जा रहा है, उतना झूठ कभी नहीं बोला गया इस देश में। ऐसे समय में, इस हिंसा के, इस झूठ के और नफरत के समय में इंसान का बचना मुश्किल हो रहा है, सच बोलने वाले का रहना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे समय में आप क्या कह रहे हैं कि कविता को प्रचार की ज़रूरत है? कविता को और सौंदर्य को और संवेदना को, हर उस चीज़ की ज़रूरत है जिसका नाम मनुष्यता है, और मनुष्य ही इसको, और इतने लोग जो बैठे हुए हैं इन्हीं से मेरी उम्मीद है और कहीं से उम्मीद नहीं है, जो अपना दिल्ली में इतना व्यस्त समय छोड़ करके कविता सुनने के लिए आए हैं। इनका मैं स्वागत करता हूँ, इनको नमस्कार करता हूँ। लीलाधर जगूटी जी, आज के समय में कविता की स्थिति क्या, बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं नरेश जी से? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आज आपका विषय है सुनो कवि। आपका जो मुख्य विषय है आज की गोष्ठी का, अभी जो गोष्ठी हुई पहले उसका विषय कुछ पुकारो, कविता की पुकार थी, और इस गोष्ठी का है सुनो कवि। अब इसमें कवि सुने या कवि सुनाए, ये दोनों में द्वंद्व हो सकता है कि कवि को सुनना भी सीखना चाहिए, कवि को सुनाना भी सीखना चाहिए, और कवि को कुछ याद करना भी सिखाना चाहिए, सिर्फ भूल जाना ही नहीं सीखना चाहिए। जब सुनो कवि की बात हो रही है, किस कवि की बात हो रही है? अभी थोड़ी देर पहले जो गोष्ठी हुई उसमें ये सवाल उठा भी था, और बहुत अच्छे तरीके से अशोक जी ने भी, अरुण कमल जी ने और अनामिका जी ने इन चीज़ों को डिस्कस किया। आज हिंदी भाषा का जो कलेवर है उसको कविता के भरोसे या साहित्य के भरोसे या नाटक के भरोसे या साहित्य की अनेक विधाएं हैं उन सब के भरोसे हम छोड़ देते हैं, छोड़ना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि जीवन की दृष्टि अलग है। साहित्य की दृष्टि जीवन की दृष्टि से पैदा होती है, इसलिए अनेक तरह के शब्द हिंदी में आ जाते हैं, अनेक तरह की भाषाएं हिंदी में आ जाती हैं। वो घुसपैठ नहीं है, वो समन्वय है। वो मैं समझता हूँ कि एक नई दृष्टि हम अपनी भाषा में जिन शब्दों की कमी है उन शब्दों को शामिल करना चाहते हैं, और ये बुरी बात नहीं है। ये कहना कि अच्छी हिंदी क्या होती है, ख़राब हिंदी क्या होती है, ये थोड़ा ये विषय मुझे कुछ विषयांतर का एक पहलू लगता है। इसलिए होना तो ये चाहिए कि हमको अंग्रेजी से भी सीखना चाहिए, उर्दू से भी सीखना चाहिए और संस्कृत से भी सीखना चाहिए। ये बात कही गई है और अच्छी बात कही गई है, लेकिन सवाल ये है कि अंग्रेजी ने तो हिंदी से सीखा, अंग्रेजी तो जंगल भी ले गई, अंग्रेजी में जंगल भी है, हमारी डिक्शनरी इतनी कमज़ोर क्यों है? हिंदी की डिक्शनरी इतनी लचर क्यों है? इतनी विपन्न क्यों है हिंदी की डिक्शनरी कि वो केवल बहुत कठिन शब्दों की ही ढूंढ में रहती है? अगर कहीं से आदिवासी इलाके से कोई शब्द आया है तो वो हमारी डिक्शनरी में नहीं मिलता है। हमारी डिक्शनरी में केवल शास्त्रीय शब्द ही क्यों मिलते हैं? जीवन के शब्द भी मिलने चाहिए,
और अंग्रेजी इसीलिए बड़ी भाषा बन पाई कि वो जितने देशों में अंग्रेज गए उतने देशों के शब्द भी वो अपने साथ ले गए, वो उनके संपत्ति भी ले गए, उनके शब्द भी ले गए और अपनी गरीबी मिटाने के लिए उन्होंने काम किया। हम इस रहस्य को नहीं समझ पाए, हम अभी भी रूढ़िवादी बने हुए हैं। इसलिए ये अच्छा प्रयास है आपका कि कभी सुनाए ही नहीं, सुने भी, और कभी सुन रहा है और कभी सुनाएगा भी। नंद किशोर जी, हिंदी ऐसी भाषा जिसमें जैसे कहा जाता है वैसे ही लिखा जाता है, या जैसे लिखा जाता है वैसे ही कहा जाता है, लेकिन ये युवाओं तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आपसे इससे पहले सेशन में भी इस पर बात हुई थी, कहां पर कमी है, किस में कमी है? क्या सरकारों को दोष देना या फिर कवियों की तरफ से भी कुछ ऐसा है कि शायद वैसी चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं? देखिए, मैं प्रचार वगैरह की बात तो नहीं जानता, क्योंकि मैं कविता को कोई कमोडिटी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि कविता मनुष्य की आत्मा की संवेदनात्मक पहचान है, उसकी संवेदनात्मक तलाश है। पिछली शताब्दी में एक बड़े महान मनोवैज्ञानिक यूंग ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का शीर्षक ही था मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ ए सोल, आधुनिक मनुष्य आत्मा की तलाश में। तो ये जो मनुष्य की आत्मा काफ़ी समय से धीरे 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 गुम सी होती जा रही है, कविता और कलाएं और अन्य चीज़ें भी अपने अपने तरीके से करती होंगी, मैं नहीं जानता, पर कविताएं और कलाएं मूलतः उसी आत्म की तलाश की प्रक्रियाएं हैं। वो उस आत्म की तलाश में केवल कोई वैयक्तिक मनुष्य नहीं है, केवल उसमें समय भी है, वो समय की भी आत्मा की तलाश करता है। समय में आत्मा कहाँ लुप्त हो गई है इसकी भी तलाश कभी, अभी जैसा नरेश जी ने कहा कि इस समय जितना झूठ बोला जा रहा है उतना कभी नहीं बोला गया, वो सही है, क्योंकि इस आत्मा के लुप्त होने के कारणों में झूठ भी एक है कि जितना झूठ बोला जाएगा अपनी आत्मा की तरफ से आप उतना ही निर्लिप्त होते चले जाएंगे। लेकिन सर एक सवाल है, तो इसलिए मैं ये मानता हूँ, और जब आपने युवा वर्ग का कहा कि क्या वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही है, मैं केवल यही उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी आत्मा की तलाश करिए, आप कविता तक पहुँच जाएंगे। नरेश जी, सबसे बढ़िया समय कविता के लिए कौन सा रहा आपके अनुसार? अगर अभी द्वेष है, नफरत है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कविता के लिए सबसे बेहतरीन समय कौन सा था ये? और साथ ही साथ मेरी आपसे गुंजाइश है कि जो मैं आपसे रिक्वेस्ट मेरी कि चंबल की जो वेदना आपने उनको जो शब्द दिए हैं प्लीज़ आप उनको सुनाएं भी, क्योंकि यहाँ पर आपको सुनने के लिए भी लोग आए हुए हैं। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, सबसे कठिन समय या सबसे अच्छा समय? हाँ, मैं क्योंकि आपने कहा कठिन समय तो ये चल रहा है, लेकिन अच्छा समय कौन सा था फिर कविता के लिए? अच्छा समय तो जब हम 18 साल 19 साल की उम्र के थे, हमें दुनिया की चिंता ही नहीं थी, हम अपना प्रेम कविताएं लिख रहे थे, दुनिया में जो हो रहा है सो हो रहा था, हमारी दुनिया में प्रेम ही प्रेम था। आज प्रेम क्या है हम कह चुके हैं, और दुर्भाग्य से सारी चैनल, सारे अखबार उसमें शामिल हैं। ये एक बची थी चैनल NDTV, तो पता लगा वो भी खरीद ली गई है, और सब जानते हैं कि किसने खरीदी है और क्यों खरीदी है और उसका कविता से क्या संबंध है, ये आप जानते हैं। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आप बताइए लोगों को। और एक बात और बताऊं कि मनुष्य की ताकत, संकल्प सबसे ज़्यादा तब निकल करके आता है जब सबसे कड़ी चुनौती होती है, तो सबसे अच्छी कविता के लिए यही सबसे अच्छा वक्त है। थोड़ा सा माहौल को शांत करते हुए सर आपकी एक कविता, एक रचना जरूर सुनना चाहेंगे हम। जो आप सुनाना चाहें, यहाँ कोई बंदिश नहीं है। तो मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना, मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना, पर मरना है तो लड़कर मरना,
सही बात पर अड़कर मरना और दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़कर मरना। अब भेद नदी का पाना हो तो पुल पर पांव न धरना, भेद नदी का पाना हो तो पुल पर पांव न धरना, कसना कमर और धीरज धर धारा बीच उतरना, तो भंवर और घड़ियाल मिलेंगे, भंवर और घड़ियाल मिलेंगे, शैवालों के जाल मिलेंगे, धारा का आवेग और लहरों के कठिन सवाल मिलेंगे। अब बिन जूझे कैसे जानोगे क्या है पार उतरना, अरे मरना है तो प्यार में मरना। क्या बात है, मरना है तो प्यार में मरना, मरना है तो प्यार में मरना, दुश्मन को ललकार के मरना, अपना प्रेम पुकार के मरना, और मरना है तो समर में, मच्छर काटे से क्या मरना, मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। लेकिन लीलाधर जी, आपने प्रेम को एक रोग कहा, एक भोग कहा अपनी रचनाओं में। नहीं देखिए, ऐसा है, नरेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हम लोग जब कविता लिख रहे थे, जब कविता की ओर आ रहे थे तो बहुत छोटी उम्र से आ रहे थे, और कविता की उम्र वहीं से शुरू तो जरूर होती है पर कविता की उम्र वहां खत्म नहीं होती है। कविता की उम्र मनुष्य की उम्र खत्म हो जाने के बाद भी कविता की उम्र तो खत्म नहीं होती, कविता ता उम्र फिर से पैदा होती है। और अनेक ऐसे कवि हमने देखे हैं जो बहुत कम उम्र में हमारे बीच नहीं रहे, जो बहुत कम उम्र में चले गए, लेकिन वो एक लकीर खींच गए हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, व्यास जैसे लोग या वाल्मीकि जैसे लोग या तुलसीदास जैसे लोग, जिन्होंने 125-25 वर्ष की से भी अधिक का समय लिया है अपने जीवन में। सवाल ये है कि वो मरना, क्षणिक मरना भी मरना है और दीर्घकालीन मरना भी अंत में मरना है, लेकिन कविता किसके साथ है, कविता किस मरने के साथ है? कविता मरने के साथ नहीं, कविता जीने के साथ है। और जीने के साथ वो कविता है जो भाषा को समझती है, जो भाषा को समझती है वो कविता जीती है, और जो भाषा को नहीं समझती वो कविता तो लिखे जाते हुए ही मर जाती है। इसलिए मैं आपको वाल्मीकि का एक पद सुनाना चाहता हूँ। उस समय हमारे समय में ऐसे ऐसे कवि हुए हैं, मुझे छाया दिखाई देती है वाल्मीकि की उनकी, उनमें। गगनम गगन सदृशम, गगन शब्द तो सभी समझते हैं, सदृश शब्द भी सभी समझते हैं, इसका मतलब है कि आसमान आसमान की तरह है। गगनम गगन सदृशम, गगनम गगन सदृशम, अब देखिए वो ये उम्र का फर्क होता है कि मैं वो लाइन ही भूलता जा रहा हूँ, फिर भी मैं याद करूँगा उसको। गगनम गगन सदृशम सागर सागरोपमम, आसमान आसमान की तरह है और समुद्र समुद्र की तरह है। गगनम गगन सदृशम सागर सागरोपमम, राम रावण योर युद्धम, राम और रावण का युद्ध, राम रावण योरिव, राम और रावण की तरह था। ये पोएट्री महान पोएट्री है, क्योंकि इसमें तीर कमान तलवार नहीं बताई गई है, न तोप के गोले बताए गए हैं, ये बताया गया है कि राम और रावण का युद्ध राम और रावण की तरह था। भाई ये जो कहने की शैली है ये बताती है कि कविता ऐसे बनती है। किस चीज से बनती है? कथन से बनती है कविता। और मैं तो ये भी सवाल आपके बीच रखना चाहता हूँ कि कवि शब्द बना कैसे, कवि शब्द किसके लिए बना है? लोग स्त्री कविता लिखे तो उसको कवयित्री कहने लगते हैं, गलत है, कवि सब हैं,
जो कविता की तरह सोचे वो कवि है। गगन गगन सदृशम सागर सागरूपम राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव, राम और रावण का युद्ध राम और रावण की तरह था, उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती है। वाल्मीकि ये कहना चाहते, हमारे बहुत से कवि हैं आज आधुनिक समय में जो इस तरह की कविताएं लिखने में काफ़ी महारती हैं और लिखी हैं उन्होंने, पर मुझे लगता है कि वाल्मीकि तो किसी कवि का अनुयायी था ही नहीं, उसने इतनी सरल पंक्ति कैसे लिख दी। तो ये जो सरलता में, ये जो सादगी में ताजगी है और जो कहने की एक शैली है, शायद यही कविता को अलग बनाती है। इसीलिए कवियों को लेखक नहीं कहा जाता है, कवियों को कवि कहा जाता है। हर लेखक कवि नहीं होता और हर कवि लेखक हो सकता है, हर कवि लेखक हो सकता है पर हर लेखक कवि नहीं हो सकता। इसलिए इन शब्दों का जो अंतर है ये भी कविता ने सिखाया है हमें, और आज नहीं सिखाया, सदियों से सिखाती चली आ रही है। तो जब हम शब्दों की तमीज़ सीखते हैं, जब हम शब्दों को बरतना सीखते हैं, जब हम शब्दों को अपने बरक्स एक खड़ा व्यक्तित्व की तरह देखते हैं कि एक दूसरा, मेरा ही एक दूसरा व्यक्तित्व मेरे समक्ष खड़ा हो गया है, तब भाषा की कद्र, भाषा की शक्ति, भाषा की ताकत को हम जान पाते हैं कि भाषा क्या काम कर रही है। हम ही काम नहीं कर रहे होते हैं, भाषा भी काम कर रही होती है, पर उस भाषा को कौन लाता है हमारे साथ? हाँ, उस भाषा को कविता लाती है, साहित्य लाता है, नाटक लाते हैं और तमाम जितनी सोचने समझने की विधाएं हैं वो सारी चीज़ें भाषा से जुड़ी हुई हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कविता का सबसे बड़ा दायित्व, तो आज ये भी बात चली, अभी पिछले सत्र में ये भी बात चली कि ये जो फेसबुक है और टेक्नोलॉजी की जो भाषा आ रही है, ठीक है, इसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी फेसबुक को जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत ही कुछ अमर्यादित तो होता ही है, लेकिन कुछ उसमें अनावश्यक भी होता है और कुछ उसमें बहुत काम की चीज़ें भी होती हैं। तो मैं फेसबुक को कभी कभी ठेसबुक की तरह पढ़ता हूँ उसको, मतलब वो खुशी भी दे रहा है और ठेस भी पहुँचा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि शब्द का प्रयोग कैसे करना है। इसलिए इस ठेस से बचना भी चाहिए और इस ठेस को ठेस होने से बचाना भी चाहिए, ये भी काम हमारा ही है। इसलिए एक रचनात्मक प्रयत्न को तरह तरह से जांचा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए। बनी बनाई चीज़ें बहुत ज़्यादा ढोनी भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा छोड़नी भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं कि कवियों में भी एक रूढ़िवाद पैदा हो गया है। कवियों ने तो हमेशा कहा कि हमने तो नई परंपराओं को जन्म दिया है, हमने तो परंपराएं तोड़ी हैं। कवियों ने और लेखकों ने आलोचना में क्या काम किया है? आज आलोचना का जो हिस्सा अगर आप साहित्य में देखें तो बिल्कुल शून्यता, शून्यता, खालीपन नज़र आता है। आलोचना मतलब निंदा नहीं। आलोचना के लिए कबीरदास ने एक शब्द चलाया था, निंदक निये रे राखिए, तो उनका मतलब ये था कि आलोचक को अपने पास रखो। नहीं, निंदक था वो जो आपकी बुराई करे, जो आपके दुर्गुण को पहचाने, वो निंदक था, आलोचक नहीं था वो, उसको नज़दीक रखने की बात कही थी। लेकिन लोग समझते हैं कि आलोचक भी निंदक है। आलोचना अगर कोई आपकी कर रहा है तो आप कभी नहीं कहेंगे कि वो तारीफ कर रहा था आपकी, वो समझ में आ जाता है वो आपकी आलोचना कर रहा था, मतलब आपकी निंदा कर रहा था। तो आलोचना शब्द जो है संस्कृत में है ही नहीं। संस्कृत साहित्य में मीमांसा है, भाष्य है और टीका है, इत्यादि इत्यादि शब्द बहुत हैं, लेकिन आलोचना शब्द नहीं है। आलोचना, लोचन जहाँ तक जाए, आ माने होता है टिल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टिल, तक। आलोचन जहाँ तक आँख जाए, जहाँ तक दृष्टि जाए, वहाँ तक अगर आपका विचार चला गया तो आलोचन शुरू हो गया। लेकिन ये आलोचना, ये जो निंदक परक आलोचना है, ये आलोचना नहीं है। इसलिए आलोचना
साहित्य का विषय बनते बनते रह गई, साहित्य का विषय हमें उसे बनाना चाहिए और उसे दृष्टि की सीमा तक पहुंचाना चाहिए। आप भी मानते हैं दृष्टि की सीमा तक। जी नंद किशोर जी, क्या ये बात ठेस पहुंचाती है? इतना बड़ा प्रांगण है लेकिन युवा कवियों की संख्या क्या है या नई रचनाएं कितनी आ रही हैं? बहुत कम। क्या ठेस पहुंचाती है? मैं ये सवाल समझ नहीं पाता कि कम आ रही हैं ज़्यादा आ रही हैं। सवाल ये है कि जिसकी अपनी आत्मा की तलाश में रुचि है वो कविता की तरफ जाएगा, कविता लिखेगा, कविता पढ़ेगा, कविता समझेगा। कविता अगर अगर आपका समय ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा को खोता जा रहा है बल्कि भूलता जा रहा है कि वो मनुष्य है, भूलता जा रहा है कि वो केवल ऐन्द्रिक जीवन नहीं है, भूलता जा रहा है कि वो एक चेतना है, तो जिनकी रुचि इसमें कवि क्या करेगा और कविता भी क्या करेगी? अगर आपकी रुचि ही उसमें नहीं है, मैं बड़ी साफ मतलब ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल साफ बात करना पसंद करता हूँ कि अगर स्वयं आपकी रुचि अपने को जानने में नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं जनवा सकता है। ये सीधी सीधी बात है। तो वो लोग जिनकी अपने को अपने संवेदनात्मक आत्म को जानने में रुचि है वो कलाओं और कविता की तरफ जाते हैं। जिनकी इसमें रुचि नहीं है, काफ़ी हमारा समय भी इसके लिए जिम्मेदार है कि रुचि क्यों नहीं है। समय ने हमारे को इतना ऐन्द्रिक बना दिया है, आप कहते हैं इसका जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, जीवन स्तर ऊंचे की अगर जो पैमाना आज हम मानते हैं तो गांधी जी महान निम्न स्तर का जीवन जी रहे थे, वो कोई हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं था। तो हमने जीवन स्तर का जो रूप मान लिया कि यह जीवन स्तर है वो तो ऐन्द्रिक जीवन है। जितनी ज़्यादा केंद्रिक सुविधाएँ आपको मिलेगी आपका जीवन, तो मनुष्य अपनी चेतना को खोकर के अपने आप को एक केवल मात्र इंद्रिय अस्तित्व में बदलता जा रहा है। और आपका आपकी जो अभी सत्ता की बात हुई थी, सत्ता के कई रूप हैं, राजनीतिक सत्ता ही नहीं, आपकी राज्य सत्ता, आपकी अर्थ सत्ता और सत्ता के जितने दूसरे रूप हैं वो सभी चाहते हैं कि आप केवल इंद्रिय अस्तित्व रहें, आप सोचने विचारने वाले व्यक्ति न बने, क्योंकि इससे सत्ता को हमेशा खतरा महसूस होता है, विचार सत्ता के लिए खतरा है तो वो नहीं चाहते। अब ये आपको ज़बरदस्ती कोई विचारवान भी नहीं बना सकता, आपको इसके लिए स्वयं ही सचेत होना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या किया जा रहा है, मैं किसका उपकरण बन रहा हूँ, शिक्षा मुझे किसका उपकरण बना रही है, बाजार मुझे किसका उपकरण बना रहा है, चैनल और अखबार मुझे किसका उपकरण बना रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। अब मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ, वो मैं समझ रहा था आप क्या कहना चाह रहे थे इसलिए मैं खुद ही कह रहा हूँ। अब आप ये समझेंगे इस कविता को सुनकर कि आप चाहें तो उसको अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर लागू करें, आप चाहें तो उसको एक राजनीतिक कविता समझें, आप चाहें तो इसे एक धार्मिक आध्यात्मिक सत्ता के साथ संबंध पर लागू करें। एक छोटी सी कविता, बहुत मैंने वही 18-20 साल की उम्र में प्रेम कविता भी चाहें तो समझ सकते हैं इसे, एक छोटी सी कविता है। बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं, बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं, यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ, यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ बल्कि अधरों पर तुम्हारे सदा सज्जित रहा, किंतु मेरा कब रहा संगीत वह जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा, किंतु मेरा कब रहा संगीत वह जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा, मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पांख जो तुम्हारे मुकुट पे चढ़ी, मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पांख जो तुम्हारे मुकुट पे चढ़ी और न भी चढ़ती पर जिसका सौंदर्य उसका अपना था, यह अंतर क्या कम है कि तुम्हारा संगीत मेरी व्यवस्था है और मोर पांख का सौंदर्य तुम्हारी, बुरा न मानना मैं अब तुम्हारी बांसुरी नहीं रहा। क्या बात है, तालियां हो जाए। नरेश सर, क्या आज का सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, क्या कविताओं पर अत्याचार हो रहा है? और मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि आपने ये कहा कि अच्छी कविता कहने पर सज़ा भी मिलती है, आपसे परसाई जी ने कहा था ऐसा कुछ, तो वो प्रसंग भी आप बताएं। आपको याद है ये पंक्ति कि मैंने परसाई जी से जब पूछा था कविता सुना करके कि क्या इस पर इनाम मिल सकता है, तो उन्होंने कहा था अच्छी कविता पर सज़ा भी मिल सकती है। तो आप क्या सुनना चाह रहे हैं ये बताइए।
फिलहाल तो सजा देना चाह रहे हैं आपको, अभी आप सुना नहीं। आपको जो पूरा प्रसंग था वो आपसे सुनना चाह रहे थे। और दूसरा सवाल तो मेरा था ही, तो क्या है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक जो था अब तो बंद हो गया, क्या वो कविता पर अत्याचार कर रहा है, क्योंकि युवा तो उसका सारा ध्यान वहीं पर है। वो कविता पे नहीं, युवा पर अत्याचार कर रहा है। अत्याचार तो कवियों पर हो रहा है, अब ये सारे बैठे हैं सब जानते हैं क्या हो रहा है। आप सर बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, आप तो बोल रहे हैं अपनी बात और सरकार उन्हीं की चल रही है, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अभी संभव नहीं। नहीं सर, ये एक ऐसा मंच जहाँ पर उनको अपने विचारों को रखने की आजादी, वो अपने विचार रख रहे हैं। देखिए सर आगे प्रश्न, तो मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि आप बहुत सारे प्रशंसक भी हैं उनको, उनको चाहने वाले हैं या उनके कार्यों को पसंद करने वाले हैं, लेकिन आप अपनी बात रख पा रहे सर इसी समय में इसी सरकार में? नरेश सर आप अपनी बात रखें, कवि को ये रोष भी झेलना पड़ता है कई बार। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसीलिए तो कहा ही जा रहा है, बात अपनी जगह। बात अपनी जगह पहुंच रही है ना, अच्छा है। देखिए ये मंच जो है इस समय भाषा का है, जिसने हमें मनुष्य बनाया है, इसमें हर तरह की बात होगी और सच्चाई की बात होगी तो सीने पे लगेगी जा करके, तो आवाज़ निकलेगी वहाँ से, निकल रही। ये संसद में बहुमत 300 से ज़्यादा का है, ये बहुत बड़ा बहुमत है, बहुत बड़ा बहुमत है, 300 से ज़्यादा सांसद हैं, लेकिन दो लाइन में इसका एनालिसिस सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में 65% मतदान हुआ है, इसका मतलब क्या कि 35 लोगों को इसकी फिक्र नहीं थी कि पार्टी जीते या हारे, वो मज़े में हैं। 35 लोग मज़े में हैं, उन्हें चिंता नहीं है कि कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी। ये वोट 35 उन लोगों के नहीं हैं जो संसद में पहुंचे हैं, अब बचे 65% वोट हुआ, उसमें 40% उत्तर प्रदेश में 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, 40%। ये 65 का 40% कितना होता है? 26 वोटों की ये सरकार है, 26। और 39 वोट इसके खिलाफ पड़े हैं, वो कहीं 15 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 5 हैं। आज आपका जीवन जो है, आपका कपड़ा है, आपका भोजन है, वो सब राजनीति का शिकार है। नरेश सर, बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं माफी के साथ आपको हम क्या कहेंगे सर, प्रश्न तो यही है कि आज कविता के समय में क्या आपको लगता है कि कवि राजनीति कर रहे हैं या सत्ता विरोधी हो रहे हैं? पत्रिकाएं हिंदी की बंद हो रही हैं, किताबों का बिकना कम हो रहा है, रेलवे स्टेशन पर अखबार नहीं खरीद सकते आप, रेलवे स्टेशन पर आप अखबार नहीं खरीद सकते, नहीं है। एच व्हीलर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब वहां पे कोका कोला मिल रहा है। सर इसी बात पर वो कविता हो जाए कि मजे ही मजे होते मुर्दा होते। अब मैं आपको एक शांत कविता सुना देता हूँ। कविता का शीर्षक है शिशु। शिशु लोरी के शब्द नहीं
संगीत समझता है। शिशु, इसमें पानी है क्या? हाँ पानी है सर। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। क्या बात है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले 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 ले। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले 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 ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है। क्या बात, तालियां। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले 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 ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, उसी से तो है कुछ आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, और ये संगीत ही हमारे बीच से गायब होता जा रहा है, संगति गायब होती जा रही है, और जो सामने है वो आप देख रहे हैं। तालियां। लीलाधर सर, क्या आपको लगता है कि लापता हो रही हैं चीज़ें, गायब हो रही हैं चीज़ें? क्योंकि ऐसा होता तो फिर ये मंच नहीं सजता और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद। नहीं, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, और हो सकता है कि हमें बुरा लगे, हो सकता है उनको बुरा लगे, लेकिन अधिकार तो सबको है। खैर, मैं भी कुछ कविताएँ सुना देता हूँ, छोटी छोटी। लंबी कविताएं मैंने बहुत लिखी हैं, वो बहुत कुख्यात रहा हूँ कि लंबी कविताएं, तो मैं छोटी कविताएं, हाँ तो छोटी कविताएं मैं सुनाना चाहता हूँ। मुझे काम है सरल भाषा बोलना, मुझे काम है सरल भाषा बोलना। सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। क्या बात। मुझे काम है सरल भाषा बोलना, सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। जैसे कोई पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है, जैसे कोई पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है, और वो ठीक ठीक बोल जाए कि उसका क्या नाम है, फिर भी उससे कहा जाए कि सोच कर बोलो कि तुम्हारा क्या नाम है, एक मौका देते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। मुझे काम है सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। जैसे कोई पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है, और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है। क्या बात। और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम। तो ये तो कविता हो गई, और अब ऐसी ही छोटी छोटी कुछ कविताएं। एक सबसे छोटी कविता सुनाता हूँ आपको। बच्चा सोता है हिलाने से राजा जागता है। क्या बात। बच्चा सोता है हिलाने से राजा जागता है। और एक बात और, ये कविता हो गई, ये इतनी ही थी। हाँ, मतलब मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि कविता कितने लोग समझते हैं और कविता कैसे समझनी चाहिए। कविता बहुत बारीकी से भी समझी जाती है और बहुत ऊंचाई से भी समझी जाती है, पर कविता शब्द। सर, आपका माइक बहुत हिल रहा है आपके हाथों के साथ। हाँ, तो शब्दों से भी समझी जाती है। विचारधारा पर एक कविता है। विचारधारा की तरह कहीं कहीं बची है चोटियों पर बर्फ। मैं पहाड़ी आदमी हूं इसलिए बर्फ की उपमा दे रहा हूं उसको। विचारधारा की तरह कहीं कहीं बची है चोटियों पर बर्फ। विचारधारा के बिना भी
ठंड की तानाशाही कायम है, विचारधारा के बिना भी ठंड की तानाशाही कायम है। अब एक और कविता और शायद अंतिम कविता। जब घाटी में था तो घाटी से बहुत सुंदर दिखते थे शिखर। जब घाटी में था तो घाटी से बहुत सुंदर दिखते थे शिखर। जब शिखर पर पहुंचा तो वहां से देखा कि घाटी बहुत सुंदर है। अपने देखे हुए में से जो दिखता है वही सबसे सुंदर होता है। वही सबसे सुंदर क्या बात है। नंदकिशोर सर, आपकी बहुत सारी रचनाएं तो, लेकिन मैंने कुछ रचनाओं में बहुत प्रेम देखा, जिनमें आपने शब्दों के बीच में भी जगह की मांग की। शिखर और घाटी की बात की है और बहुत तनाव भी हो गया है, तो थोड़ा प्रेम की बात कर ले। प्रेम कविता में पहाड़ी दृश्य है। कसमसाता रुद्ध जल था मैं तुम्हारा प्यार गोमुख। कसमसाता रुद्ध जल था मैं तुम्हारा प्यार गोमुख, तुम्ही में से फूट कर तो मैं झरना हुआ हूँ। तुम्ही में से फूट कर तो मैं झरना हुआ हूँ और तुम वत्सला घाटी। क्या बात। तुम्ही में से फूट कर तो मैं झरना हुआ हूँ और तुम वत्सला घाटी। एक और थोड़ी सी लंबी कविता होगी, 4-6 पंक्तियाँ। बिल्कुल सुनाएं सर। और जो मेरे ख्याल से समय भी उसमें होगा, और अभी अभी जो लिखी गई है थोड़े दिन पहले उसके, तो कहा गया कि कविताएं सुनानी है इसलिए। हाँ, इस सत्र का नाम ही सुनो कवि। कवि है तो इसलिए सुनाओ कवि नहीं। मतलब आप लोग सुनो मैं सुनाऊ। ये कविता है जिसमें हमारे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रघुवीर जी थे, रघुवीर सहाय, उनकी एक कविता आपातकाल से कुछ अर्सा पहले लिखी गई थी, जबकि किताब आपातकाल के दौरान छपी थी, और वो कविता थी हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है। तो और मुझे ये सौभाग्य था कि इस कविता का प्रकाशन मैंने अपनी पत्रिका में किया था। तो ये कविता शुरू होती है रघुवीर जी की इस पहली पंक्ति से। हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, चेताया था आपने मुझे, और रोते रोते मैं रघुवीर जी हंसने लगा था डर के मारे। और रोते रोते मैं रघुवीर जी हंसने लगा था डर के मारे, क्या करूं, लेकिन बीच बीच में फूट ही आती रुलाई क्रोध भी कभी। क्या करूं लेकिन बीच बीच में फूट ही आती रुलाई क्रोध भी कभी, कितना भी जब्त करूं चाहे, आपकी चेतावनी पर याद कर हंसने लगता हूं फिर। इसी तरह हंसते हंसते रोता हूं, रोते रोते हंसता रहता हूं। क्या बात है। अब उन्हें तो क्या मुझे खुद नहीं है मालूम रो रहा या हंस रहा हूँ मैं। अब उन्हें तो क्या मुझे खुद नहीं है मालूम रो रहा या हंस रहा हूँ मैं, समझते हैं वे पागल हो गया शायद। आजकल कवियों को लोग पागल ही समझते हैं। समझते हैं वे पागल हो गया शायद, क्या करूँगा रघुवीर जी लेकिन कहीं रखते हों पागलों पर भी निगाह जो वे। क्या बात। क्या करूंगा रघुवीर जी लेकिन कहीं रखते हों पागलों पर भी निगाह जो वे।
और एक छोटी सी कविता, कविता लिखने की प्रक्रिया कवि के लिए क्या होती है इसको समझिए, और पढ़ने की भी वैसी ही हो जाती है फिर, अगर आप ढंग से पढ़ना चाहेंगे तो। छिलने में, छीलता जाता हूँ हर शब्द, छीलता जाता हूँ हर शब्द, करने खुद को निःशब्द, छिलने की हर कराह से पर जन्मता है और कोई शब्द, छिलने की हर कराह से पर जन्मता है और कोई शब्द, मैं इसी जद्दोजहद में होता जाता कविता, मैं इसी जद्दोजहद में होता जाता कविता। अब मुझे पता नहीं कैसी कविताएं लोग कहते हैं समझ में नहीं आती, अगर आपकी तालियां सही हैं तो समझ में आती होंगी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए थी। नरेश जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी आप सरकारों की बात कर रहे थे, समय की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी रचना है ये कि लोग पांव से नहीं दिमाग से चलते हैं, तो वो दिमाग से चल रहे हैं? मैंने कहा था कि जो लोग दिमाग पांव से नहीं चलते दिमाग से चलते हैं, वो जूते तलाशते हैं अपने दिमाग के नाप के। क्या बात। तो आप कविताएं सुनाने का मौका देंगे? बिल्कुल सर, आपको सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, मैं भी। कितना वक्त है? अब मुझे लगता है वक्त है सर, आप सुनाना शुरू करें सर। ये कविता है, इस बारिश में जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। क्या बात है, उसी के पास बारिश भी चली गई। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं, कूकती हैं कोयलें उसी के लिए, उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सौंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। क्या बात, तालियां। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान, अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई, जिसके पास चली गई मेरी जमीन, जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। और एक कविता सर आप सुनाना चाहेंगे फिर सर, मैं अगर आपको याद हो, स्त्री जो आपने एक कविता लिखी थी स्त्री पर। हाँ जी, एक नरेश सर सुना दें, उसके बाद सर कविता और छोटी कविता। एक एक कविता मैं सुना लूं, सुनाइए सुनाइए। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, दरवाजा बारिश में भीगा भूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। क्या बात, क्या बात। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, और कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है, अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, कितनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, इतनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है, और बारिश छूने जो कुछ बाहर झूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। दोस्तों, मनुष्य भूलता होगा, वनस्पतियां नहीं भूलती। आप
अमरूद के पेड़ की टहनी तोड़ करके आम के पेड़ पर ग्राफ्ट कर दीजिए, लगा दीजिए, टहनी बड़ी होगी और अगर कभी फलेगी वो टहनी अमरूद की, तो पोषण तो वो प्राप्त कर रही है आम की जड़ों से, लेकिन फलेगा उसमें अमरूद। वनस्पतियां नहीं भूलती, और मनुष्यों, कवियों, आप भी मत भूलना, वो किसकी पंक्ति है, आमिर अजीज की, कि सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। लीलाधर सर, छोटी सी पंक्ति, उसके बाद आप ही की कविता के साथ समापन भी करेंगे। आखिरी और छोटी सी कविता, जैसा आदेश दिया है इन्होंने, उसी अनुसार। तारीखें भी तीस और आदमी अकेला, तारीखें भी तीस और आदमी अकेला, हफ्ते भी चार और आदमी अकेला। क्या बात है। तारीखें भी तीस और आदमी अकेला, हफ्ते भी चार और आदमी अकेला, महीने भी बारह और आदमी अकेला। तारीखें भी तीस और आदमी अकेला, हफ्ते भी चार और आदमी अकेला, महीने भी बारह और आदमी अकेला, ऋतुएं भी छः और आदमी अकेला, ऋतुएं भी छः और आदमी अकेला, वर्ष भी अनेक और आदमी अकेला, काम भी बहुत से और आदमी अकेला, काम भी बहुत से और आदमी अकेला। तालियां थमनी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका इस मंच पर पहुंचने के लिए, इस मंच की शोभा को और बढ़ाने के लिए। तो जोरदार तालियां नरेश सक्सेना जी के लिए, नंदकिशोर आचार्य जी के लिए और लीलाधर जखुटी जी के लिए। तालियां थमनी नहीं चाहिए।